हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्राणियों के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इन प्राणियों के विषय में आपने नाम तो सुना होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग देखे भी हों, किंतु जो न देखे हों उनके लिए यह मेरा वीडियो है। आप इन प्राणियों को देखें, जानें कि ये किस प्रकार से होते हैं। ये है प्लेटी एलमेंथीज। प्लेटी एलमेंथीज का प्राणी है फीता क्रिमी टिनिया सोलियम, एक द्विपोषदी परजीवी जिसका प्राथमिक पोषद मनुष्य और द्वितीयक पोषद पिग होता है। तो ये द्विपोषदी प्राणी है जिसको हम टिनिया सोलियम फीता क्रिमी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, आप देखिए हर साइड से इसको, यह द्विपोषदीय बायजेंटिक पैरासाइट, एक हर्माप्रोडाइट द्विलिंगी अंत परजीवी टिनिया सोलियम। यह दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह दूसरा परजीवी है फाइलम प्लेटी एलमेंथीज का है, इसको कहते हैं फैसियोला हिपैटिका, यकृत क्रीमी या लीवर फ्लू। यह भी एक फीता क्रिमि की तरह से प्लेटी एलमेंथीज का प्राणी है फैसियोला हिपैटिका लीवर फ्लू। यह भी डाइजेंटिक पैरासाइट है, द्विपोषदी परजीवी है। इसका एक पोषद घोंघा और दूसरा सिप भेड़ होती है। अब तीसरा इकाइनोडर्मेटा का प्राणी हम आपको दिखा रहे हैं। यह फाइलम इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है, इसको कहते हैं स्टारफिश, सितारा मछली। स्टूडेंट, आपने सितारा मछली के विषय में पढ़ा है, किताब में इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा, किंतु यह इसका रियल स्ट्रक्चर है स्टारफिश का, पंचभुजाकार संरचना। ये आप देख रहे हैं स्टारफिश, जिसके अंतर्गत एम्बुलेक्रल सिस्टम तथा वाटर कैनाल तंत्र पाया जाता है। इसकी बॉडी हार्नी होती है, देख रहे हैं स्पाइनी, पांच भुजाएं हैं। इसके बाद मैं अगला प्राणी आपको पीसेज का, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फिश, विद्युत मछली। ये जो आप प्राणी देख रहे हैं यह इलेक्ट्रिक फिश, विद्युत मछली। ये दो आईज हैं पीछे की तरफ इनका, ये कॉडल फिन है, ऊपर की तरफ इनका पेल्विक फिन है। यह वेंट्रल सतह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेंट्रल सतह इसका पैक है। तो ये दोनों पार्श्व में इसमें इलेक्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, विद्युत ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे ये 4 मिलीवोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करती हैं। एक पीसेज का ही अगला प्राणी है, इसको स्टूडेंट कहते हैं डॉगफिश स्कॉलियोडॉन या कुत्ता मछली। इसका मुख कुत्ते की तरह होता है, इसलिए इसको डॉगफिश या कुत्ता मछली कहते हैं। इसको हम वेंट्रल सतह से आपको दिखा रहे हैं, यह वेंट्रल सतह से है कुत्ता मछली की संरचना। आप देख रहे हैं यह डॉगफिश की संरचना है। यह एक पीसेज का प्राणी है, किंतु इसका मुख कुत्ते की तरह होता है, इसलिए इसको डॉगफिश कहते हैं। यह इसका लेटरल साइड है, और यह मुख्य बात है कि यह बच्चे उत्पन्न करता है, वीवी पैरस होता है। ये हैं कुछ स्पॉट्स स्टूडेंट, जिनके विषय में आपने सुना तो है किंतु देखा नहीं है। इनका परिचय मैंने आपसे कराया क्रमशः, ये है फीता क्रिमी टिनिया सोलियम, ये है यकृत फ्लूक लीवर फ्लूक फैसियोला हिपैटिका, ये है स्टारफिश स्टेरिया रूबेंस, यह है इलेक्ट्रिक फिश टारपीडो, और यह है स्कॉलियोडॉन डॉग फिश। तो ये वीडियो स्टूडेंट आपको अवश्य पसंद आया होगा, अतः इसे लाइक शेयर, और अगर सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।